विकास कुमार की रिपोर्ट। भाजी में रंगा उत्तरी मंडल अध्यक्ष संतोष चंद्रवंशी की अध्यक्षता में उत्तरी एवं दक्षिणी मंडल के संयुक्त तत्वाधान में प्रखंड कार्यक्रम में फैले भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ रंगा थाना मोड़ से प्रखंड कार्यालय तक आक्रोश प्रदर्शन किया गया एवं प्रखंड कार्यालय का घेराव किया गया। कार्यक्रम के दौरान भ्रष्टाचारी सरकार वापस जाओ, हेमंत सरकार मुर्दाबाद, युवा विरोधी सरकार, इस्तीफा दो, प्रखंड कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को बंद करो आदि अनेकों नारे लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ठाकुर प्रसाद महतो ने कहा कि झामुमो सरकार भ्रष्टाचार का पोषक है, आम जनता त्राही त्राही कर रही है। झामुमो सरकार में चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार में प्रखंड से लेकर जिला तक भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। झामुमो सरकार में बैठे मंत्री विधायक जनता के उत्थान के लिए नहीं बल्कि अपनी झोली भरने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक से लेकर सभी अनुबंधन कर्मी पैसों में काम करने के लिए बाध्य हैं। भाजी में जिलाध्यक्ष रितेश चौबे ने कहा कि झामुमो सरकार युवा विरोधी है। हेमंत सरकार ने रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है। झामुमो सरकार में बैठे अधिकारी पदाधिकारी मंत्री विधायक के इशारे पर जनता को लूटने में लगे हुए हैं। कार्यक्रम का संचालन भाजी में दक्षिणी मंडल अध्यक्ष बलराम यादव एवं धन्यवाद ज्ञापन भाजपा मंडल अध्यक्ष बसंत प्रसाद ने किया। कार्यक्रम को भाजपा जिला मीडिया प्रभारी उत्तम पांडे, अध्यक्ष मोर्चा जिला अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी, ओम प्रकाश दास, उदय प्रसाद, शीला देवी सहित अन्य कई कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिले के मीडिया के प्रभारी उत्तम पांडे जी, कार्यक्रम में उपस्थित रंका उत्तरी मंडल के अध्यक्ष, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संतोष जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिले के अध्यक्ष नसरुद्दीन जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी रंका उत्तरी मंडल के अध्यक्ष बसंत जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ओम प्रकाश दास जी, कार्यक्रम में उपस्थित है भारतीय जनता युवा मोर्चा रंका दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष भगवान जी, कार्यक्रम में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी हमारे युवा मोर्चा के जिले के महामंत्री विकास तिवारी जी, कार्यक्रम में उपस्थित है रविंदर जी, मनोज जी, जितेंद्र जी, उदय जी, क्यों पैदा हो रहा है आक्रोश का? पैदा आक्रोश उत्पन्न होने का मुख्य कुछ न कुछ कारण है। जैसे हमारे क्षेत्रीय जितने भी बोलने वाले यहाँ पर वक्ता हुए, सब पर अपना अपना विचार को रखा, उसमें खास करके भ्रष्टाचार ये रहा है। जहाँ भी जाइए, चाहे तो आप किसी भी तरह के काम के लिए जाइए, जाति आय निवास, चाहे तो घर लेना हो, घर लेना हो, कुआ लेना हो, कहीं भी जाइए, बिना दक्षिणा दिए कहीं कोई काम नहीं कर रहा है। इन लोग एकदम अपना चाकीदारी बना दिया है। जो भी जिसको जहाँ कुर्सि प्राप्त हुआ है, सोच रहा है कि हमारा तो पति तो पति है। जब तक हमारे ऊपर चढ़ावा नहीं चढ़ता है, तब तक हम एक भी काम करने को तैयार नहीं है। बंधुओं, इसी तरह से आक्रोश जनता में फैल रहा है। बड़े नेताओं के पास शिकायत पहुंच रहा है कि हमारे प्रखंड में, हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जा रहा है। इसलिए हम लोगों को प्रदेश नेतृत्व से बताया गया कि आप लोग जाए धरना करें, प्रदर्शन करें, थोड़ा सा हमको शायद इन लोगों को बयान वाला दिन में आ जाएगा कि जनता के प्रति थोड़ा सा भी जगह सोच बदलता है। बंद करो।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विवेकानंद तिवारी, नेता संतोष तिवारी, भाजपा में जिला महामंत्री विकास तिवारी, विनोद राम, जितेंद्र सिंह, विकास तिवारी, धर्मेंद्र कुमार, नवल ठाकुर, मनोज ठाकुर, रविंद्र साव, किस्मती कुंवर, कविता देवी, सुनीता देवी, ललिता देवी, चंदेश्वर प्रसाद, लाल बिहारी यादव, मोहन गुप्ता, आशीष गुप्ता, भोला भुइया, चंदन तिवारी, जोगेश्वर चौधरी, वीरेंद्र सिंह, लवंग देवी, श्रवण यादव, दिनेश प्रसाद, भोला पासवान, जगदीश सिंह, चंद्रशेखर तिवारी, बसंती देवी, विमला कुंवर, इतवरिया देवी, रीता देवी, सत्यनारायण यादव, कल्पानी देवी सहित अन्य सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। धन्यवाद।